गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्लस टू फिजिक्स क्लास और इसमें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंटर करता है तो इसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, यहाँ तो सेमी सर्कुलर होगा, लेकिन मान लो चार्ज यहाँ से एंटर करता है तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, रेडियस निकाली थी हम लोगों ने एम वी अपॉन क्यू बी, है ना। तो कई बार इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सीबीएसई पूछता है, इसके लिए देखिए कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए। इन न्यूमेरिकल्स में कई बार ये इम्पोर्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल यूजुअली पूछता है सीबीएसई, उसके लिए देखिए आप जैसे मान लो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है, इनके चार्ज और मास के बारे में ये आपको याद करना पड़ेगा। प्रोटॉन पर चार्ज प्रोटॉन और मास प्रोटॉन कितना होता है, 1 mu। अब देखिए इन तीनों में कंपैरिजन करने को आता है तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो सेम रहेगा, न्यूट्रॉन का चार्ज सेम रहेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो डबल होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और जो अल्फा पार्टिकल है ये बेसिकली आपका जो हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम बेसिकली ये अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, यानी हीलियम एटम से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए आप तो वो बन जाता है अल्फा पार्टिकल, दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, डबल प्लस टू ई, दैट इज ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और इसके अंदर आपके दो प्रोटॉन हैं और दो न्यूट्रॉन हैं तो मास हो जाएगा 4 times। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है प्रोटॉन का, लेकिन मास होता है डबल ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन, जबकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और जबकि मास होता है इसका 4 times एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जो मोमेंटम है पी को लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के प्लेस में लिख सकते हैं क्यू इंटू वी। यदि किसी क्यू चार्ज को
क्यू चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाई वी वोल्ट. यहां पर क्यू वी का मतलब क्या है? क्यू चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, है ना. तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वेट कर सकते हैं. तो इसी रिलेशन का यूज करते हुए जो रेडियस है, तो एक फॉर्मूला भी ये हो गया एम वी अपॉन क्यू वी. और एम वी मतलब क्या हो गया? मोमेंटम. तो मोमेंटम की प्लेस में क्या आ जाएगा? टू एम काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू वी, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू टू एम क्यू वी अपॉन क्यू वी. तो इन दोनों के यूज से एक न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा सीबीएसई में, ठीक है ना. उसके लिए आपको ये टेबल और इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना. क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं. क्वेश्चन इसमें इस तरह के आते हैं कि जैसे आपसे कहा जाए कि एक प्रोटॉन है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल. एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं. मान लो गिवन है आपको कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करते हैं विद सेम काइनेटिक एनर्जी. जितनी प्रोटॉन जितनी काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहा है, उतनी काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल भी एंटर कर रहा है, और दोनों परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड में. तो ऑफ कोर्स दोनों आपके सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करेंगे. और मान लो आपसे कहा जाए फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है ना. तो यहां पर दोनों की जो रेडियस है उनके उनको कंपेयर करना, उनका रेशो हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है ना. तो इसलिए क्या करोगे आप, चूंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आर का फॉर्मूला कौन सा लेंगे हम लोग? अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू वी. जो चीज सेम दी गई है फॉर्मूले में वही यूज करेंगे हम लोग. यदि सेम मोमेंटम है तो आर स्मॉल यूज करेंगे एम वी बाई क्यू वी. यदि सेम काइनेटिक एनर्जी है तो ये वाला यूज करेंगे अंडर रूट टू एम अपॉन क्यू वी. और यदि दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जा रहा है तो फॉर्मूला यूज कौन सा होगा? अंडर रूट टू एम क्यू वी अपॉन, ठीक है ना. तो अब हमें निकालना है प्रोटॉन रेशो निकालना है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए. तो प्रोटॉन के लिए कितना आ जाएगा? अंडर रूट टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू सेम काइनेटिक एनर्जी दोनों की अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू बी. और अल्फा पार्टिकल के लिए निकालेंगे
तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4 टाइम्स। अल्फा पार्टिकल के लिए मास कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, और क्यू चार्ज कितना होता है? डबल होता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और बी दोनों का सेम है। तो इसका 4 से क्या होगा? 2 आ जाएगा बाहर, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा? अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू वी। तो दोनों सेम आ रहे हैं, रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रही है सेम, तो इसका मतलब दोनों का जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इस सर्टेन एग्जांपल में रेशो हो जाएगा 1:1। ऐसे सिंपल होते हैं न्यूमेरिकली वाले, सिंपल होते हैं न्यूमेरिकली, कोई खास इसमें बात नहीं है। चाहो तो एक और कर लो। एक और कर लेते हैं सेम क्वेश्चन। मान लो एक ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, और दोनों को एक्सेलरेट किया गया, एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया, और फिर ये एंटर हो रहे हैं आपके सेम मैग्नेटिक फील्ड में, और दोनों एंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलर। ऑफ कोर्स सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेंगे, और फिर से इसमें निकालना है आपको ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का रेशो। तो अब चूंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो रेडियस का फॉर्मूला आप लोगे अंडर रूट 2mqv अपॉन qv। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका? जो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन है वो आ जाएगा 2। ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? मास ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है? डबल। और चार्ज कितना होता है? क्यूपी। और वी दोनों का सेम है अपॉन इंटू बी। और इसी तरह से जब आप निकालोगे अल्फा पार्टिकल के लिए, तो अंडर रूट 2 मास, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4 टाइम्स, और चार्ज होता है डबल, और नीचे भी चार्ज आ जाएगा डबल इनटू मैग्नेटिक फील्ड सेम है। और हमें क्या फाइंड करना है? दोनों का रेशियो, दोनों रेडियस का। तो इसमें देखो, जो दोनों को डिवाइड करोगे आप तो क्या कट जाएगा? ये एमपी से एमपी कट जाएगा, क्यूपी से क्यूपी कट जाएगा, और वी से वी कट जाएगा, और नीचे से आपका ये कट जाएगा। तो ऊपर ऊपर कितना बचेगा? √2 × √2, दैट इज 2,
और यहां पर कितना बचेगा आपका, 4। 4 यहां से कितना आएगा, देखो 4 और 4 का 4 हो गया, और 2 नीचे आपका, तो 2 टू 4 अगेन, इनका रेशो आ रहा है आपका 1:1। ऐसे ठीक है ना, तो ऐसे करते हैं वाले न्यूमेरिकल्स। इसके अलावा देखो एक डिवाइस होती है आपकी मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग आइसोटोप्स को अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे कार्बन के आइसोटोप्स हैं C12 और C14, है ना, तो यदि जो आइसोटोप्स हैं आपके, तो इसमें क्या होता है, इनका मास सेम होता है, सॉरी चार्ज इनका सेम होता है, चार्ज तो सेम हो जाएगा, लेकिन जो मास है वो होगा डिफरेंट। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए जिसका यूज करते हैं हम लोग, मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस टू सेपरेट आइसोटोप, ठीक है ना। और इसका देखो प्रिंसिपल सेम है, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं हम लोग इसमें, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है कोई, अब इसमें इसमें क्या होगा कि यहां पर जो आइसोटोप्स हैं जो मिक्स्ड, यहां पर मिक्स्ड हैं आइसोटोप, इनको किसी मान लो वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कराया हम लोगों ने, तो ऑफ कोर्स ये क्या होंगे, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेंगे, और जिसकी रेडियस जो होती है वो क्या होती है, एम वी अपॉन क्यू वी, रेडियस कितनी होती है एम वी अपॉन क्यू भी। अब ये जो अलग अलग आइसोटोप्स हैं इन सब की वेलोसिटी हमने सेम रखी है, इनका अलग अलग आइसोटोप्स का चार्ज सेम है, और इनको सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया हम लोगों ने, लेकिन इनका आइसोटोप्स का डिफरेंट क्या है, मास, इनके मासेस अलग अलग हैं, और मासेस अलग अलग होने की वजह से जो अलग अलग आइसोटोप्स हैं उनकी रेडियस भी क्या होगी, अलग अलग आएगी। जो भारी वाले जो हैवी आइसोटोप्स हैं उनकी रेडियस ज़्यादा होगी, और जो हल्के आइसोटोप्स हैं उनकी रेडियस कम होगी। और इस फॉर्मूले से हम लोग उनकी रेडियस को पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें उनका मास थ्योरेटिकली पता होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इनकी रेडियस दोनों की अलग अलग आइसोटोप की रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और वहाँ पर ऐसे कर देते हैं होल पहले से ही,
है ना। तो अलग अलग रेडियस होने की वजह से आइसोटोप्स, अलग अलग मासेस के आइसोटोप यहाँ से निकलेंगे और जो भारी वाले हैं वो निकलेंगे ऊपर वाले पोल से। तो ये जो मिक्स्ड आइसोटोप थे इनको यहाँ पर हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, समझे। तो ये डिवाइस कहलाती है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं, वो जो मिक्स्ड आइसोटोप्स हैं, उनको हम लोग इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका प्रिंसिपल है ये कि रेडियस इनकी हो जाएगी एम वी अपॉन क्यू बी, बाकी सब चीजें सेम है वी क्यू और बी, लेकिन अलग अलग मासेस होने की वजह से वो डिफरेंट सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेंगे एंड विच कैन बी इजीली सेपरेटेड, ठीक है ना। तो इसकी इसकी वर्किंग वर्किंग आप लिख लोगे, है ना, तीन चार लाइन में जो समझाया गया है आपको उसी के हिसाब से वर्किंग आप इसकी लिख लोगे, क्लियर। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं एग्जाम में। एक और डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन जैसा कि नाम से क्लियर है, यदि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बहुत हाई स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस डिवाइस के हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सेलरेटेड एंड प्रोजेक्टेड विद वेरी हाई वेलोसिटी। ये डिवाइस है विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए देखिए ऐसे हम लेते हैं एक फिलामेंट, एक फिलामेंट लेते हैं हम लोग, ये क्वाइल टाइप की है, और इसको एक एक बहुत बहुत बड़ी बैटरी से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो है वी वन, जब इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्सेलरेट करते हो तो पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग एक फिलामेंट लेते हैं और इसको एक हैवी बैटरी से अटैच कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आपके इजेक्ट होने लगते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट होते हैं। इसको इसको बोलते हैं थर्मायनिक एमिशन। यहां पर क्या होता है, ये जो बैटरी आपने अटैच की है इसकी वजह से फिलामेंट में करंट फ्लो होती है और ड्यू टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट
अमाउंट ऑफ हीट इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट्स फ्रॉम द फिलामेंट, ये फिलामेंट है, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड थर्मायनिक एमिशन, इसको बोलते हैं थर्मायनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ये हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, थर्मायनिक एमिशन। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये पढ़ा होगा शायद आपने केमिस्ट्री में, कि किसी यदि मेटल सरफेस से कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल की बनी हुई, फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोई सरफेस है और जब इसमें सूटेबल एनर्जी के फोटॉन्स, सूटेबल एनर्जी के फोटॉन्स जब इसमें इंसिडेंट होते हैं तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। पढ़ा है ना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट होते हैं इसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, या इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये अलग आपका कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्यों बाहर आ रहे हैं वो समझ में आया। ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के प्रोडक्शन की वजह से बाहर निकल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं थर्मायनिक एमिशन, ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम लोग एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में रखते हैं, इसको हम लोग और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक और बैटरी से अटैच करते हैं ऐसे, तो ये वाली बैटरी क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकालेगी और इस वाली बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इस चैम्बर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, प्लस से माइनस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा ना यहाँ पर भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, जीरो। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला आपका तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ईवी। तो ये जो एनर्जी, इस इतनी पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर एक्सेलरेट होगा और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। मान लो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर वेलोसिटी गेन की कितनी, वी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, ई वी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू वी, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू टू ई वी by m, that is v is equal to under root 2 ev by m। तो इतनी velocity से electrons बाहर निकलेगा v is equal to under root
है ना। तो ये पूरी डिवाइस कहलाती है इलेक्ट्रॉन गन, एक्सपेरिमेंटल पर्पस और अदर पर्पसेस के लिए इस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं, है ना। इससे इलेक्ट्रॉन को एक लार्ज वेलोसिटी प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है ना, इसलिए ये वेलोसिटी काफी लार्ज होती है। और यदि वेलोसिटी हमें बढ़ानी है तो हम लोग यदि इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएं तो उसी रेशो में हमें अलग अलग वेलोसिटी इसमें मिलेगी। क्लियर। तो ये था आपका आज का टॉपिक, यहाँ का इलेक्ट्रॉन गन।